हे गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे। सो गाइस आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ साक्षी से। साक्षी कैसे हो आप? ठीक ही हूँ। ठीक हो साक्षी? आपने कहाँ से देखी मेरी वीडियोस? मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी थी कि आप लोगों की कैसे मदद करती हो, तो इसलिए मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था ताकि आप मेरी भी हेल्प करो। आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो बताओ पहले। आप पब्लिक देख रही है, एक लड़का है जो मेरे को बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे को तेरे साथ रिलेशन में आना है, बट मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं आ सकती क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है पहले से। ठीक है। वो लड़का मेरे को एक पार्टी में मिला था, वहाँ से उसको मेरा नंबर मिल गया। वो मेरे को रोज़ कॉल करता है, कहता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा तेरे पे दिल आ गया है, तू मेरे साथ रिलेशन में आ जा, नहीं आएगी तो तेरे बॉयफ्रेंड को मरवा दूंगा, ये वो करके। मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलता है, ये सब बोलता है कि मतलब बॉयफ्रेंड के साथ ये करा दूंगा वो करा दूंगा, तो उसको छोड़ दे। साक्षी आप मतलब अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? ठीक है। और लॉयल भी उसके लिए? घर में भी सबको पता है, घर पे भी सबको पता है। और शादी भी होने वाली है? कितने टाइम में शादी है आप लोगों की? है 1 से 2 ईयर। 1 से 2 साल में शादी है, मतलब रोका वोका हो चुका है? हाँ। रोका हो चुका है। तो यार साक्षी आपने उस लड़के का नाम क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? उसका नाम कुछ अभिषेक करके, अभिषेक कुछ करके है। ठीक है। तो मतलब आपने उसको समझाने की कोशिश की अभिषेक को कि यार मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं लॉयल हूँ? हाँ, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, बट वो मेरे को धमकी देता है, कहता है मैं नेताओं के साथ उठना बैठना है, तेरे को उठवा लूंगा, तेरे बॉयफ्रेंड को मरवा दूंगा, वो ऐसे करके मेरे को बहुत परेशान करता है। ओके, मतलब वो आपको बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपने कुछ अपनी तरफ से हिंट दिया, जैसे लड़कियों ने कोई मतलब लड़कियां दिखाती है कुछ मतलब अट्रैक्शन ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा उसको साफ क्लियर किया है कि मैं रिलेशन में नहीं आ सकती, मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने उसको हमेशा से क्लियर करके रखा है ये सब, फिर भी वो नहीं मान रहा। नहीं मान रहा, तो अभी आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हो? मैं चाहती हूँ आप उसको यहाँ, मतलब मैं बुला रही हूँ और आप उसको एक्सपोज करो। ठीक है, एक्सपोज करवाना चाहते हो ताकि पब्लिक को पता चले कि मतलब ऐसे भी कुछ लड़के हैं जो अपनी पावर का नजायज फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो मतलब गुंडा टाइप से? वो गुंडा ही है समझ लो, वो ऐसे ही बोलता है, उसकी बात बात भी सब ऐसी है। ठीक है, तो आप एक काम करो, अभिषेक का नंबर है आपके पास, अभिषेक को फोन लगाओ, वहाँ पे सामने कैमरा लगा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो स्पीकर पे फोन रख देना और एक बार उससे ऐसे बोलो कि तू बोल रहा था ना शादी करनी है, रिलेशनशिप में आना, तो मैं उसके लिए अग्री हूं। ठीक है, मैं अग्री हूं, तो एक बार लोकेशन पे आ जा, बात कर लेते हैं मिलके। तो उसको कैसे भी कन्विंस करो। तो आपने स्पीकर पे फोन रखना, पब्लिक सुन रही है आप। हेलो हेलो अभिषेक। हां, मैं साक्षी बोल रही हूं। मैं कह रही थी कि मैं ना तैयार हो चुकी हूं तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के लिए। मैंने मतलब हाँ, मैंने बहुत सोचा कि यार तुम्हारा इतना अच्छा बैकग्राउंड है, इतना नाम है, इतना पैसा है, लाइफ सेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं तुम्हारे से रिलेशन में आने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे से मिल सकते हो आके? कहाँ पर? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देती हूँ, तुम आ जाओ। ओके ओके, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर। ठीक है। तो बंदा आने को तैयार हो गया, तो हमें क्या करना है? वेट करना है और आप लोकेशन, आप एक बार लोकेशन शेयर कर दो और इसके बाद मैं माइक आपको अपने पास मतलब आपको देकर जा रही हूँ, फ्रेम से आउट हो रही हूँ। उसके बाद जब जैसे मैं, आप टेंशन मत लेना, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। अगर मैंने आपको बोला साथ दूंगी तो 110% दूंगी, तो आ जाना बट पक्का पक्का प्रॉमिस, मैं आपके साथ ही हूँ। मैं पीछे ही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सामने वाला किस हद तक गिर सकता है। लोकेशन सेंड कर रही हूँ, माइक मैं आपके यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि आपकी जो सारी चीज़ है ना वो कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो वेट करो आप और यही हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक। हाय हाय, आ गए तुम? फाइनली बुला लिया मेरे पे यहाँ पे। हाँ, मेरे को तुमसे बात करनी थी कुछ। क्या बात करनी? यही कि यार मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। क्यों? यार तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है। यार तेरे बॉयफ्रेंड का क्या मतलब? मैं नहीं बन सकता बॉयफ्रेंड? नहीं यार, ऐसा क्यों? मैं उसके साथ सीरियस हूँ, मेरी शादी होने वाली है। मेरे दिक्कत क्या है? तुझे पता है अच्छा खासा पैसा है मेरे पे, कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। तो यार सब कुछ पैसा नहीं होता ना। तो प्यार तू मुझसे भी कर सकती है ना? नहीं कर सकती ना यार, प्यार मैं उससे करती हूँ तो मैं तुमसे कैसे कर सकती हूँ प्यार? ऐसा कैसा प्यार है जो मुझसे नहीं कर पाएगी, उससे ही हो पाएगा सिर्फ? यार मैं उससे प्यार करती हूँ तो फिर अब करती हूँ। ये क्या यार, कोई बात होती है? तूने अच्छा खासा मेरे को यहाँ बुलाया, मेरे को लगा कि बहुत। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि मेरे को तुम्हें बताना है कि मैं। ये फालतू की बातें बताने के लिए बुलाया तूने मेरे को? ये फालतू की बातें नहीं है यार, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और तुम मेरे को ऐसे परेशान कर रहे हो। मैं परेशान कर रहा हूँ तेरे को? और क्या, कितना प्यार करता तुझे पता है? यार ये प्यार वगैरह कुछ नहीं है। तो क्या है ये? प्यार नहीं है ये, कोई नौटंकी ना? नौटंकी है। काहे की नौटंकी है? तो यार ये प्यार थोड़ी ना है। अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तुम समझो ना मेरी बात को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये समझूं मैं? मतलब तू किसी और के बिस्तर पे जाएगी, मैं समझूं ये वाली बात? हाँ तो यार तुम्हें समझना पड़ेगा। वाह भाई वाह, मैं अपना प्यार देखूं कहीं और जाते हुए? तू पागल है यार, ये प्यार नहीं है। तो क्या है प्यार? ये सिर्फ हवस है और कुछ नहीं है। ये कोई हवस नहीं है, ये बहुत
तू नहीं समझेगी यार, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे मैं। यार तेरे को समझ में नहीं आता यार, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। समझ में नहीं आता, तू पागल है यार। तेरे को अब मैं पागल लगूं या कुछ भी लगूं, प्लीज बस मेरे को छोड़। क्या करता है तेरा बॉयफ्रेंड ये बता मेरे को। यार मैं कुछ भी करता हूँ लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे से बहुत प्यार करता है। कितना कमाता होगा? 10,000 रुपए महीना कमाता होगा ना वो। यार वो इतना कमा लेता है कि बस मेरा पेट भर दे, मेरे को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यार बात मान, यार पैसा सब कुछ नहीं होता यार, ये बात तुम भी तो समझो। तो क्या होता है ये बताना यार, बस तुम मेरी बात सुन दो कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, तुम मेरे को परेशान मत किया करो। मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ना पड़ेगा यार, जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। तो मैं देख लूंगा। क्या मतलब क्या देख लोगे यार? मेरा अच्छा खासा पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना है मेरा यार, इसी चीज की तो तुम हमेशा धमकी देते हो। तो यही तो रुतबा है मेरा यार, और क्या है यार। ऐसे किसी की जिंदगी के साथ खेलना ही अच्छी बात थोड़ी ना होती है। तेरी जिंदगी के साथ खेल कोई नहीं रहा मैं यार। यार खेल ही तो रहे हो। कहां से जब खेल? मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, फिर भी तुम मेरे को परेशान कर रहे हो। मैं परेशान नहीं करता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यार वो कर रहा है कुत्ता। यार ये नहीं, वो मेरे से प्यार करता है, तुम मेरे को परेशान करो। तुम एनी टाइम यार मेरे को कॉल करते रहते हो, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती ये बताना मेरे को। यार मेरी उससे शादी होने वाली है। उसकी शादी मैं देख लूंगा, शादी करेगा वो तुझसे। हाथ पे तोड़वा दूंगा, शादी लायक नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। शादी नहीं होने दूंगा मैं। यार क्यों तुम जिंदगी खराब करना चाहते हो मेरी जिंदगी? यार तेरी जिंदगी बता मैं क्या दिक्कत है तेरी जिंदगी में? यार दिक्कत ही यार, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम मेरी जिंदगी में बिना बात के आ रहे हो। क्यों आ रहा हूँ यार? क्यों यार तुम दूर हो जाओ पहले। क्यों दूर हो जाऊँ? यार तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम दूर हो जाओ, हमारी लाइफ से चले जाओ। यार हमारी लाइफ से चले जाओ। नहीं जाऊंगा मैं उसको। क्यों नहीं जाओगे? भगा दूंगा। यार क्यों भगाओगे उसको? तुम हमारे बीच में आए, वो हमारे करता हूँ और वो मेरे बीच में आया। यार मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना, मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। वन साइड लव है मेरा। तो यार दिक्कत नहीं है इसके अंदर वन साइड लव में। लेकिन यार प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफा प्यार नहीं चलता। मेरा चलता है यार। ऐसे कैसे चलता है? तेरा भी चल जाएगा। नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा। चलेगा, सब चलेगा। यार मेरी शादी होने वाली है तो मैं समझ में क्यों नहीं। शादी नहीं होने दूंगा ना मैं। क्यों नहीं होने दोगे यार? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार कल परसों मरे जाएगा, फिर क्या प्यार रह जाएगा तेरा? यार क्यों बोल रहे हो ऐसा तुम? क्यों मरेगा वो? क्यों गंदा पड़ेगा फिर? यार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बस तुम हमारी लाइफ से चले जाओ। यार क्यों करोगे? करवाएगी मुझसे ये? यार मैं क्यों करवाऊंगी? तू ही तो करवा रही है, नहीं तो हाँ कर शादी कर ले मुझसे। यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती यार, तुम मेरी बात को तो समझो। नहीं समझना मेरे को तेरी बात, समझना होता तो यहाँ नहीं आता मैं। यार मैंने तुम्हें समझाने के लिए बुलाया, प्लीज समझो मेरी बात को। मैं नहीं समझ। क्यों नहीं समझ सकते? समझो ना। तुझसे अगर प्यार नहीं करता तो मैं समझ जाऊंगा। तो यार एक नजर में प्यार हो गया तो ये पता है? यार ऐसे कैसे प्यार हो सकता है एक नजर में? यार ये सारी बातें हम सिर्फ बोलने के लिए, बातें करने के लिए इस पार्क में बुलाया? यार मैंने तुम्हें समझाने के लिए बुलाया, फालतू की बातें नहीं है ये। फालतू बातें मेरी नजर नहीं, ये फालतू की बातें नहीं है। भाई किसके हाथ पर चढ़वा देगा? आप कौन? बहन है मेरी। किसको बुलाया तुमने? बहन है मेरी, दीदी है मेरी। छोटी मैं कर लूंगी, मैं बहुत कुछ कर सकती। क्या कर सकती मैडम आप? जब उस क्लियरली बोल दिया वो से बात, ना ही उसने तुझे कुछ ऐसा किया, ना ही उससे प्यार है, ना ही ऐसा दिखाया वो तुझे लाइक करते। तू धक्के से क्यों भसड़ में घुस रहा है? अरे आप मैटर नहीं है, गाली गलौज मत कर, आवाज धीमी रख पहले। तो गाय के लिए पहले तू होगा गुंडा अपने गली का। अरे गली शेर होगा तू, अपने घर का शेर। इस जैसे चुप बैठी रहूंगी। तुम समझ लो यार, वो मेरी हो। जब तेरे को बोल दिया अगली तरह से, अगली मत बोल, मुझसे मत बोल, जा काम कर अपना, निकल चल यहां से। तो मैं नहीं आ रहा। तो आप भी जाओ यार, मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हो? रोबोट ढूंढवा के कहीं डलवा दूंगा दरिया के अंदर। कौन सी दरिया के अंदर डलवाएगा? किसी भी दरिया के अंदर डलवाऊं तो क्या करना? बाप क्या करता है? बाप छोड़, तू मुझसे पूछ मैं क्या करता हूँ। तेरा बाप क्या करता है ये बता? तेरे बाप से तो वजूद होगा तेरा। तेरे बाप ने तो पैदा किया तेरे को, तेरे बाप ने तो पैदा किया है, बता दे। तेरे माँ बाप ने संस्कार दिया तेरे को? संस्कार सही में बिल्कुल तमीज ही नहीं है यार उसको, समझे? चल उसको तू हाथ लगा रहे, मैं कब से देख रही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ। मैं तेरे को, मैं तेरे मुँह पे थप्पड़ मारने वाली हूँ। अब हाथ लगा के देखा तू मेरे को? हाथ में लगाऊंगी तेरे मुँह पे, हाथ लगा
दिखा के दिखा, थप्पड़ मारूंगी और जितनी ये पावर अपनी पावर। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या बात? किसको ले आई एक तो यार, मेरी बहन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? चुप चल, वो नहीं कर रही तो शादी तू क्या करेगा इतना बता, नहीं कर, उठा के ले जाऊंगा ऐसे ले जाएगा यार, क्यों उठा के ले जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या बात? तू कहाँ का डोना है, तुझे क्या कहाँ का डोना है बता दे मेरे को, बता दे बता कहाँ रहता है तू, दिल्ली में, दिल्ली में कहाँ से है? अरे तुझे पता क्या, दिल्ली में कहाँ से है, वही पूछ रही हूँ तुझसे कहाँ से है? अरे पूरी दिल्ली का डोन हूँ, क्या कर लेगी तू बता? पूरी दिल्ली का, पूरी दिल्ली पे ना तेरी पावर चलती होगी, हम अरे बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लेकिन हम वही नहीं चलती। अल्लाह नहीं, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे करके बोलो यार, प्यार से बात कर रही है ना तुमसे, हाथ नीचे करो, ओए अपनी पावर का नजायज फायदा उठाएगा, दूर है, दूर है, तू दूर है, दूर है, बैठ बात करना, अरे बैठेगा, बैठ बात कर, अरे बैठे नहीं, बैठ ना फिर, मैं नहीं बैठ रहा, बैठ यार तू बात करना, यार थोड़ा आराम से ही बात कर लो यार। क्या सुन, जब तेरे को लड़की ने बोल दिया, जब तेरे को लड़की ने बोल दिया कि वो तुझसे प्यार नहीं करती, ना ही उसको तेरी तरफ कोई अट्रैक्शन, ना कोई लाइक, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती, तो तेरा दिमाग साइको है क्या, तू दिमाग से पागल है क्या? मत क्या चल यहां से, पैदल है क्या, पैदल है क्या है? इसको दिक्कत दी तू का अगली बीच में, मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। तो बुलाया क्या के लिए, तो तूने मेरे को, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बुलाया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, प्यार से बात करने की कोशिश कर ली, लेकिन तू बहुत बदतमीजी पे उतर रहा है, ठीक है? और मेरी बात सुन, डोन होगा तू अपनी साइड का, पूरी दिल्ली का डोन हो, पूरे मुंबई का डोन हो, घंटा ये ले, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को इस चीज से, पहले शुरू उंगली तू हटा, उंगली हटा के बात कर, तूने किया पहले, लड़की को बिना परमिशन उसको हाथ लगा रहा है, क्यों लगाया दोबारा, क्या क्यों लगाएगा दोबारा, लगाया यार क्यों कर रहे हो ऐसा, यार क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, बैठ ना, बैठ ना, मैं नहीं बैठूंगा अभी, पब्लिक को इकट्ठा करती हूं और बताती हूं कि ये लड़का किसको बुलाना, लड़की को छेड़ रहा है, बुला बुला किसको बुलाना है, बुलाना, मेरी बात सुन, क्या सुना, औकात में यार क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो तुम हमारी, क्या औकात में, औकात तेरी, औकात तेरी, औकात, अरे यार तू लड़की को परेशान करेगा, उसको इरिटेट कर रखा है उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी बहुत दिनों से परेशान कर रखा है यार, मैं गाली किसको दे रही है, तू हाथ, अब तू उसको हाथ लगा ले एक बार, तेरी इतनी हिम्मत है ना, तेरी उसको हाथ लगा ले अभी, और लगा ले तू क्या कर ले, तू हाथ लगा फिर मैं बताऊंगी मैं क्या करूंगी, लगा लिया तो तू क्या करेगी, अरे तू हाथ तो लगा एक बार फिर मैं बताऊंगी ना क्या करूंगी, ले लगा ले, ले फिर, हाथ मत, हाथ मत चला, हाथ मत चला, दूर हट, दूर हट, मैं चाहता नहीं किसी औरत बात, यार बैठ के बात कर लो प्यार से, हाथ उठाना नहीं चाहता औरत को बिना परमिशन, उसको ऐसे कर रहा, टच कर रहे हैं बिना परमिशन के, लेकिन कैमरा लगा हुआ है सामने, समझा, कैमरा लगा हुआ है, तू कौन, कैमरा का ही लेके आई हूं, यूट्यूबर पप तो मारी है सीधा सामने, मेरा कैमरा उठा के फेंक दूंगा, दोनों को कटवा दूंगा, दोनों को कर सकते, अब तुम्हारी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, इसको बंद करा पहले, इसको बंद करा, ये बंद नहीं होगा, इसको बंद करा, क्या होता है, अब देख, इसको बंद करा, अब देख ना तू क्या होता है, अरे देख नहीं, इसको बंद करा, अब बुलाओ तुम अपने नेताओं को, अब बुलाओ नेताओं को जिनकी धौंस दिखाते थे, तेरी पावर के बाद बताऊंगा, कैमरा कहां लगा है, ढूंढ ना, करा ले बंद अपने आप, इसको बंद करा, नहीं तो यहीं पे मारूंगा दोनों को, मेरी बात सुन, सुनने गया पहले, इसको बंद करा, माफी मांग करती हूँ, डिलीट करती हूँ, मैं नहीं मांगूंगा माफी, इसको बंद करा पहले, चल जा तेरी तो बंद करा ले, चल करा ले, तू जाओ बंद करवा लो अपना, तू बंद करा ले, चल अच्छा चल, इसको बंद करा ले, बंद करा ले, क्यों बंद कराऊं मैं, तमीज से बात कर उससे, बोल सॉरी, बोल उसको, तेरा वन साइडेड लव ना यहाँ नहीं चलेगा, और ये वन साइडेड लव भी नहीं है, पागलपंती साइको बनती है, तू उसको कैमरे को पकड़, पैरों पे हाथ लगा, सॉरी बोल उसको, उसकी बिना परमिशन तो उसको ऐसे हाथ लगा रहा है लड़की को, चल हाथ पैर पकड़ उसको, सॉरी बोल, सॉरी करेगा यार, तुम बस हमारी जिंदगी से चले जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, चले जाऊंगा दूर, प्लीज, जितनी पावर है जितनी रैपो है, ये वीडियो डलते ही सारी रैपो निकल रहा है, एक मिनट में रेपुटेशन पे छोड़ में है ना जो तू अपने घमंड में, और जितना गुंडा बन रहा होगा अपने डॉन का, दिल्ली का, मुंबई का, नहीं है तू एक नॉर्मल इंसान है, तू भगवान का बनाया हुआ एक नॉर्मल इंसान है जैसे हम लोग हैं, कैमरा बंद करा दे, अब हमारी लाइफ से चले जाओ, बस करा दूं तो एक काम कर, सीधा पहली फुर्सत से निकल, चला गए और हमारी लाइफ में हम दोबारा मत आना, चल निकल, बैठो, फीलिंग बेटर, हाँ बहुत ज्यादा, मतलब लगा मेरे को बहुत तेज, चलो कोई बात नहीं यार, ये सब चलता रहता है, अब रिस्क लेते हैं, मतलब कोई बात नहीं, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन बात ये है कि चीज़ें सॉर्टेड है,
और मैं आपको ये वीडियो है ना क्लिप मेल करूंगी। अभी इसने शायद कैमरे के डर से ऐसा बोला है, हाँ। हो सकता है आपको इन फ्यूचर का भी परेशान करे, तो आपके पास ये प्रूफ है, ठीक है? ठीक है। देखो आपकी कितनी भी पावर हो, किसी भी शहर के आप कुछ भी हो, जैसे वो बोल रहा था मैं यहाँ से हूँ, मेरी इतनी पावर है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। देखो जब तक लड़की अपनी जगह सही है ना, तो दुनिया में कोई भी इंसान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है? उसको कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता, ना ही कोई उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा सकता है। आपने पूरी वीडियो देख लिया, लड़की हर जगह एक्यूरेट, अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसकी शादी होने वाली है, वो लड़का साइको है, वो संकी दिमाग है, ठीक है? उसको वन साइडेड लव नहीं कहा जाता, उसको संकीपंती कहा जाता है जो वो कर रहा था। तो गाइस मतलब ऐसे लड़कों से मैं लड़कियों के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, अवेयर रहना ऐसे लड़कों से, ठीक है? और ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी किसी पर मत करना। अवल तो इनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने इनको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश किया। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और ये वीडियो बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि पता चले उस लड़के को भी कि हाँ कि वीडियो सच में डली है, सिर्फ हम बातों से नहीं फेंक रहे थे, कि हम हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, ठीक है? बाकी लव यू ऑल, और इनको भी सपोर्ट करो, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी। ध्यान रखो अपना, ठीक है? चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ आपको।